रूल्स ऑफ सक्सेस, फिफ्थ रूल था हमारा एक्सरसाइज, सिक्स रूल है फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड इज फ्यूल, आप जो खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो फूड में आपको क्या करना है, फूड बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड लें जो आप अफोर्ड कर सकते हो, बासी खाने से बचें, तला भुना मिर्च मसाला ये सब बचें क्योंकि मिर्चों से आपका पेट गड़बड़ रहता है। अगर आप मिर्चें ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, आपका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा। और यह बात ध्यान रखिएगा कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, और यह बात ध्यान रखिएगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। पेट का ताल्लुक माइंड से होता है, क्योंकि जिस दिन आप फ्रेश नहीं होते हैं, पॉटी टॉयलेट आपको अच्छे से नहीं होती है, आपका माइंड फ्रेश नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छे से आपका पेट साफ हो जाता है, आपका माइंड उस दिन बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। तो समझ लें, अगर माइंड तेज करना चाहते हैं तो पेट का ध्यान रखें, और पेट का ध्यान है खाने से। और खाना कैसा खाना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप सड़ा गला खाएंगे तो सड़ा गला बनेगा, विचार भी सड़े गले आएंगे। फ्रेश खाएं, ताजा खाएं, थोड़ा खाएं बट अच्छा खाएं। ये नहीं कि आप खा तो रहे हैं भर के लेकिन बेकार फूड नहीं। कौन कौन सी चीजें खानी है, कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है, उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको पेशेंट हैं तो आपको डाइट चार्ट अपना डॉक्टर से बनवाना होगा, है ना, न्यूट्रिशन से। मेरा डाइट चार्ट बहुत सिंपल है, सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में कौन कौन सी चीजें लेना होती हैं वो आप समझ लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच है, और जरूरी नहीं कि एक ही टाइम आप भर के खा लें, आप चार पांच बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी लेवल कैसे मिलेगी, एक तो एक्सरसाइज से, दूसरा फूड, आपकी बॉडी को जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए हैं वो आपके खाने में जरूर शामिल हों। लेकिन उससे पहले डाइट चार्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको कोई कोई बीमारी होंगी तो उसमें आप वो चीज़ नहीं ले सकते ना, जैसे फ्रूट्स लेना है, कौन से फ्रूट्स लेना है, शुगर लेना है नहीं लेना है, है ना, तो वो चीज देखना है। लेकिन ये तेल मिर्च मसाला तली भुनी पराठा पूरी ये सब बंद कर देना है बिल्कुल। ये सारे फूड्स बहुत नुकसान देते हैं, मिर्चें तो बिल्कुल खत्म कर दें अगर पेट साफ रखना चाहते हैं तो, मिर्चें बहुत नुकसान करती हैं, है ना, स्पाइसी जितना भी फूड है। तो फूड कैसा लेना है, फूड इज फ्यूल, फूड है आपका फ्यूल। जैसा बॉडी में आप फ्यूल डालेंगे, जैसा कार में आप तेल डालेंगे, आप कार में अच्छे किस्म का तेल डाल दें मिक्सर तेल, वैसी गाड़ी चलेगी, वैसे थॉट्स आते हैं, वैसी नींद आएगी आपको, वैसी आपकी बॉडी दिन भर रहेगी। अगर आप आलस वाला खाना खा रहे हैं, उबाऊ खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए आप एनर्जेटिक, आप एंथुजियास्टिक, आप ज्यादा अच्छा माइंड काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि खाना ही आपका मेन होगा। आपने देखा होगा जितने भी टीवी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ये लोग बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा खाना खाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा खाना, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, ये सारी चीजें पता है हमको, फ्रूट्स हैं अपने खाने में, सैलेड है, ये सब शामिल करें। तो फूड इज फ्यूल, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। बासी खाना और वो सब आप बचत करते हैं, आप जरा सारी पैसों की बचत करते हैं उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, आपका दवा में उससे ज्यादा पैसा लग जाता है, वो सब अवॉइड करें। कॉफी है, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं, शराब है, सिगरेट है, ये तो पता ही हमको सबको, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं। तो फूड इज फ्यूल, फूड इंपॉर्टेंट है, दवाइयां हैं, अल्कोहल है, इनका नेगेटिव असर हमारे माइंड पे बहुत पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड पॉजिटिव रहे, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी दूर रहे, तो इन सारी चीजों से बचना है, नशे वाली चीजों से बचना है, अल्कोहल है, सिगरेट है, पान पुड़िया है, तंबाकू है, नशे वाली और ड्रग्स, इन सारी चीजों से बचना है आपको, क्योंकि इनका आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत होता है, और जिससे आपकी बॉडी पे और आपके माइंड पे, सोच पे और आपके प्रोडक्शन पे, आपके काम करने के, वर्क करने की आपकी एनर्जी पे, है ना, प्रोडक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यूनिट बढ़े तो आपको वो फूड लेने जिससे आपको एनर्जी मिले। एनर्जी किन फूड से मिलती है, जो आपको पौष्टिक फूड है, और ये जंक फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये चाट पकौड़ी, ये पिज्जा बर्गर मोमोज चाउमीन इडली डोसा, ये सब, इडली डोसा तो तब भी ठीक है, है ना, लेकिन ये जो नहीं जंक फूड जो होते हैं, ये तो इनका नाम ही है जंक फूड, जंक मतलब कबाड़, ये तो नाम ही है इनका कबाड़े वाले फूड। तो कबाड़ अगर खाएंगे तो क्या होगा, हेल्दी फूड लेना है ना, हेल्दी फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप
बढ़िया काम करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो, वरना जैसा चाहें वैसा करें। फूड इज फ्यूल, तो फूड कौन सा लेना है, हेल्दी फूड लेना है। ठीक है, आप डाइट चार्ट अपना बनवा सकते हैं। ठीक, थैंक यू।